हेलो गाइस, वेलकम टू रिद्धि मेडिनीज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आज का जो अपडेट है, इसमें गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। तो सबसे पहले बैड न्यूज को जान लेते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में हमें जो कैरेक्टर देखने को मिलता है जॉनी डेप का, जैक स्पैरो का, वो अब हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ गुड न्यूज ये है कि इसकी आने वाली सीरीज कन्फर्म हो चुकी है, यानी कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की फिल्म सीरीज में अब तक टोटल 5 फिल्म आ चुकी है और जिसमें कि अब इसके 2 पार्ट्स कन्फर्म हो चुके हैं कि डिज्नी आने वाली फ्यूचर मूवी बनाएगा, वो भी 6ठा पार्ट और 7वां पार्ट। ये कंटिन्यूस स्टोरी होगी जिसमें कि मेन लीड कास्ट करा गया है मार्गरेट रॉबी को, जो कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में हार्ली क्विन का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो कि काफी कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। और देन साथ ही साथ उनकी रिसेंट एक मूवी रिलीज हुई थी बर्ड्स ऑफ प्रे, जो कि सुपर हिट रही और शायद उसके चलते इनको मेन लीड कास्ट करा गया है। तो फिलहाल तो ये कैरेक्टर सही है, इनमें कोई कमी नहीं है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की सीरीज में अगर जैक स्पैरो कैरेक्टर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा देखने का। तो डिज्नी ने यहाँ पर ये एक चीज क्लियर कर दी है, ये कोई स्पिन ऑफ सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यूस सीरीज होगी जिसमें कि फीमेल को लेकर एक मूवी बनाई जाएगी, जो कि कंटिन्यूस सीरीज होगी 6ठा और 7, यानी कि इन फ्यूचर में हमें जैक स्पैरो एक ऐसा कैमियो में देखने को मिल सकते हैं, चाहे एक प्रॉपर एक मूवी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो आगे के जो 6ठे और 7वें पार्ट होंगे वो एक फीमेल के ऊपर होंगे, यानी कि पूरा फोकस फीमेल पे करा जाएगा और ये सीरीज कुछ अलग डिफरेंट हमें दिखाने वाली है। तो डिज्नी का ये है प्रॉमिस एक फीमेल कैरेक्टर को लेकर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा और पुराने कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे या नहीं, ये तो आने वाला फ्यूचर से ही पता चलेगा और जो भी होगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।